सो हेयर आर सम फैक्ट्स जिसके बेसिस पे हम आपको कुछ एक जबरदस्त न्यूज देने वाले हैं। फैक्ट नंबर वन, 2013 में अराउंड 1,73,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो जिस एग्जाम के बेसिस पे आपकी आईएम्स में एंट्री होती है। फैक्ट नंबर टू, आउट ऑफ दिस 1,73,000, 95,000 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अ जीरो और नेगेटिव मार्क। फैक्ट नंबर थ्री, कट ऑफ, आईएम्स की कट ऑफ, आईएम्स की जो कट ऑफ होती है वो आपको वैसे तो आईएम्स डिक्लेयर करता नहीं है, बट हाँ क्योंकि वो एक पब्लिक नॉलेज है तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम लोग आरटीआई के थ्रू उसके बारे में पता लगा सकते हैं। एक भले मानस ने जिसका नाम है दीपक मेहता आरटीआई फाइल करी और आरटीआई फाइल करके आईएम्स की कट ऑफ निकलवा ली, तो आईएम्स की करंट ईयर की कट ऑफ यानी जो 2013-15 का बैच था उसकी कट ऑफ कुछ ऐसे थी। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 98.28 और जो शेड्यूल ट्राइब के लिए कैटेगरी आपकी कट ऑफ गई थी दैट वाज 38.34। इमेजिन इनके बीच में डिफरेंस कितना था, इनके बीच में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो था लगभग 59.94, इतना परसेंट का डिफरेंट है, इतनी परसेंटाइल का डिफरेंस है एक जनरल बंदे में और एक शेड्यूल ट्राइब बंदे में। देखने वाली बात यह है कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर जनरल कैटेगरी वाले के 98.28% लाए तो उसके चांसेस है कि उसको आईएम से कॉल आ जाएगा, लेकिन अगर किसी शेड्यूल ट्राइब के 38.34 नंबर भी आए तो उसको भी कॉल आ जाएगा, यानी 59.94% का डिफरेंस आ गया। ओके, अब चौथा फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुन के शायद आप जहां बैठे हैं वहां से उछल जाएंगे, और वो चौथा फैक्ट ये है कि अगर आप कैट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, इवन यू अटेम्प्ट जीरो क्वेश्चन, आप सिर्फ अपना नाम लिख के आ जाओगे, आपने जीरो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यू जस्ट राइट योर नेम, कुछ आइडिया है कितने नंबर मिलेंगे? यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 55%। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप सिर्फ अपना नाम भी लिख के आ गए शीट पे और कुछ नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो भी आपके कैट में नंबर आएंगे, परसेंटाइल आएगी 55। ये कैसे कि सर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और तब भी मेरी परसेंटाइल कितनी हो गई, जल्दी बताओ, 55, राइट? अब ये तो मैं समझा देता हूं आपको, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, लेकिन अगर इन सबका हम कंक्लूजन निकालें, सर कट ऑफ थी कितनी, जनरल के 98.28, एसटी के 38.34, अगर आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आते तो जरा ध्यान से उस केस में वो कितनी परसेंटाइल मिलती है, 55। यानी एक एसटी बंदा अगर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आया तो सर उसकी परसेंटाइल कितनी हुई, 55, यानी उसको आईएम से कॉल पक्का आएगी। और एक जनरल बंदा अपनी जी जान लगा के सारी कोचिंग लेके पता नहीं क्या क्या करके कितना कुछ करके आया सर, और बाई चांस सोच के देखो उसकी परसेंटेज रहेगी 98.27, ही विल नेवर रिसीव अ कॉल फ्रॉम आईएम्स। तो इसी को बोलते हैं हमारे देश की विडंबना, इक्वालिटी देखा कितनी जबरदस्त है। अब आते हैं पॉइंट पे कि सर बिना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करे भी 55% कैसे आ सकती है, वो 55% कैसे आ सकती है, कैट का स्कोरिंग का तरीका, उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो हम ये देखना चाह रहे थे कि कैट में जीरो क्वेश्चन करने के बाद भी आपकी 55% कैसे आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं सर हम एक फोटोग्राफ के साथ, और ये है वो फोटोग्राफ, एक्चुअली में ये एक कॉमन एडमिशन टेस्ट का स्कोर कार्ड है, जरा आप ध्यान से देखें, नेम ऑफ द कैंडिडेट छुपाया गया है ताकि कोई देख ना पाए कि ये कौन थे भाई साहब, और आप यहां देखोगे कि जो परसेंटाइल हमने डिस्कस करी थी इन्होंने क्यूए एंड डीआई में इनका स्कोर है आउट ऑफ 225 82 और परसेंटाइल बन रही है 53.61, और वीएएलआर में इनका स्कोर है 83 और इनकी परसेंटाइल बन रही है 57.23। दो सेक्शंस में टोटल मिलाकर इनका स्कोर हुआ है 165 और इनकी जो परसेंटाइल निकल के आ रही है 55.46। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि भाई इसने तो कोई ना कोई क्वेश्चन किया होगा तभी इतने मार्क्स आए। नहीं सर, कैट का एक प्रोसेस है अपना स्कोर निकालने का जिसमें सबसे पहले रॉ स्कोर निकाले जाते हैं, उसके बाद उनको
इक्वेट किया जाता है और उसके बाद स्केलिंग की जाती है। ये जो मैंने दो वर्ड यूज किए इक्वेट और स्केलिंग, ये शायद आपकी समझ में एकदम से ना आए। दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस हैं। हाँ, अगर आप बोलो कि आपको इस बंदे से मैं मिला दूं तो वो मैं जरूर कर सकता हूं आपके लिए। चलते हैं और जरा मिलते हैं इस व्यक्ति से कि व्यक्ति है कौन। ये है मिस्टर जीपी, मुझे नहीं पता कौन है, बट मैं जब सर्च करने लग गया तो जीपी का फंडा एक वेबसाइट समझ आई हमें और उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था, अजब कैट की गजब कहानी दोबारा। तो अजब कैट की गजब कहानी दोबारा में जब मैं पहुंचा तो मैंने एक आर्टिकल के सेक्शन में जाकर देखा, जीरो अटेम्प्ट फेचेस 55.46 परसेंटाइल, और इन भाई साहब लिखा है आई टुक कैट ऑन 16 अक्टूबर 2013 इन द 10 एम स्लॉट एंड डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। और जो मार्कशीट अभी हम देख रहे थे सेक्शन 1 में 53.61, सेक्शन 2 में 57.23 और ओवरऑल सेक्शन में 55.46, ये इन्हीं भाई साहब की मार्कशीट है। और यहां पे इन्होंने एक लाइन भी लिखी हुई है, एज आई हैव कंफर्म्ड अर्लियर ऑन फेसबुक द कैट स्कोर कार्ड डूइंग द राउंड्स विद द अबव स्कोर इज माइन। तो ये रही सर उस बंदे की मार्कशीट जिसने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करा था। ये भाई साहब किसी कोचिंग सेंटर के लगते हैं और इन्होंने सिर्फ कैट को समझने के लिए काम किया था, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये जितने फैक्ट्स आपको बताए गए इनसे आपको पता चला कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब नहीं है तो आईएम्स में जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब है तो सिर्फ पेपर ब्लैंक छोड़ के आ जाओ और आईएम्स से कॉल आ जाएगी। तो अब क्या करना है सोच लो, अवेयरनेस फैलाओ, लोगों के साथ शेयर करो और कोशिश करते हैं इस सिचुएशन